सोलन में सुबह सुबह कृषि मंत्री रामलाल मारकंडेय ने परमाणु सब्जी मंडी का औचक निरीक्षण किया, जिससे उन्होंने मंडी समिति के अधिकारियों की जमकर क्लास लगा ली और उन्होंने कहा कि जो अतीत में कार्य प्रणाली थी वह अब नहीं चलेगी और उन्हें किसानों और सब्जी मंडी के विकास के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सोलन की सब्जी मंडी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है, जिसमें निकट भविष्य में सुधार किया जाएगा और सब्जी मंडी को इनाम से प्रभावी ढंग से जोड़ा जाएगा। कृषि मंत्री रामलाल मारकंडेय ने कहा कि सोलन में किसानों की आर्थिकी टमाटर पर निर्भर करती है और यहाँ के किसानों की बहुत लंबे समय से टमाटर पर आधारित प्रोसेसिंग यूनिट की मांग थी, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कसौली में खंड स्तर पर किसान मेला भी आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री बीमा योजना से 4,281 किसानों को जोड़ा गया है, जल्द ही प्रदेश के 9,68,000 किसानों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि परमाणु की सब्जी मंडी के औचक निरीक्षण में पाया है कि वहां किसानों को मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जिसे जल्द मुहैया करवाया जाएगा। वहां किसानों के लिए किसान भवन का निर्माण किया जाएगा और ये भी कहा कि किसानों की फसलों को बंदर तहस नहस कर रहे हैं, उनसे छुटकारा दिलाने के लिए भी विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमारा जो मटर ज्यादा काफी होता है, उसका कैसे उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे उसका फायदा दे सकते हैं। हमने फैसला कर दिया है कि हम सोलन के अंदर जो है टमाटर के आधारित जो है प्यूरी यहाँ पर लगाना चाहेंगे, ताकि जो है टमाटर का रेट लोगों किसानों को अच्छा मिल सके। सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने आज आदेश कर दिया विभाग को कि जो हमारे पास सोलर फेंसिंग में जो 2.5 करोड़ रुपए पैसे स्वीकृत किए थे 2017 के लिए, वो निरंतर गांव के हर किसान तक पहुंचे। जो आज आवारा जानवर द्वारा जो हमारे खेतों को नुकसान किया जा रहा है, बंदरों द्वारा, नीलगायों द्वारा, इसको जो लोगों को किसानों को जो फायदा मिल सके। आज सुबह ही मैं परमाणु सब्जी मंडी में जाके आया हूँ। इस साल हम वहां पर 1 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं और वहां पर किसानों के लिए रहने की कोई सुविधा नहीं है, टॉयलेट की सुविधा नहीं, सड़कों की सुविधा नहीं है। अगले साल वहां पर जो है लगभग 40 दुकानें बना के किसानों को देंगे, सड़क बना के देंगे, किसानों के लिए रहने के लिए सब्जी मंडी का विस्तार होगा और वहां पर किसान भवन बनाने जा रहे हैं। और कंडाघाट में जो सब्जी मंडी है वहां भी उसका विस्तार करेंगे, वहां भी काम करना शुरू करने चाहते हैं।